अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी देखने और सुनने वालों, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, चीनी साइंसदानों ने दावा किया है कि पुरेसरार कोरोना वायरस के वबा की तरह फैलने की वजह से एक जानवर जो है ममालिया जानवर है पेंगुलिन, वो जो है पुरेसरार कोरोना वायरस फैलाने की बड़ी वजह है। जी हाँ, फिलहाल माहिरीन जो साइंसदान हैं चीन के, वो कामयाबी से जांचने में और पड़ताल करने में जो हैं वो तस्दीक कर दी है उन्होंने कि पेंगुलिन जानवर जो है 99% जो नमूने हैं कोरोना वायरस के वो उस ममालिया जानवर से मिलते हैं। चीनी साइंसदानों को कभी यकीन है कि कोरोना वायरस की इब्तदा इसी जानवर से हुई, जिससे अब तक चीन में, सिर्फ चीन में नाजरीन 630 लोग हलाक हो चुके हैं और 31,000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं मुतासर हैं। इसके अलावा चीन के अलावा 2 दर्जन से ज़ायद ममालिक में भी इसके वायरस हैं और 200 से ज़ायद हलाकतें जो हैं रिपोर्ट हुई हैं। जनूबी चीन की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के तहलकारों साइंसदानों ने 1,000 से ज़ायद नमूने लिए, उनका मुआयना किया और उनके जेन्यूम जो हैं ममालिया जानवर पेंगुलिन में 99% जो हैं मुताबकत रखते हैं। कबल अजी ये ख्याल किया जा रहा था कि कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसानों में फैले, ताहम तहकीककारों का कहना है कि कोरोना वायरस की इब्तदा पेंगुलिन से हुई है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि पेंगुलिन से ये जानवर वायरस जो है चमगादड़ में मुंतकिल हुआ हो और फिर चमगादड़ जैसे ही वहाँ से उड़े हों और वो इंसानों की बस्तियों में पहुँचे हों तो ये वायरस जो है चमगादड़ों से इंसानों में मुंतकिल हो गया हो। आपको बताएं, फ़िलहाल तहकीकार जो हैं इस बीमारी का इलाज ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके हैं। शबो रोज़ मेहनत जारी है, मसरूफ़ हैं साइंसदान और कोशिश कर रहे हैं, तगोदो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मोहलिक वायरस का हथियार जो है, इसका जो वैक्सीन है वो तैयार कर लिया जाए ताकि बहुत से इंसानों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके।